सो व्हाट्स अप गाइस, तो आज की वीडियो में बात करेंगे आईएमयू के डिसीजन पे जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो यार फाइनली आईएमयू ने एक डिसीजन लिया कि आईएमयू सीटी इस साल का जो अगस्त बैच का होने वाला था, अगस्त 2020 बैच का, उसको कैंसिल करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे बकवास डिसीजन है, क्योंकि यार देखो बहुत लोगों का 12th में पीसीएम परसेंटेज या फिर जो ओवरऑल परसेंटेज है कुछ लोगों का कम है, तो यार वो इस एग्ज़ाम के थ्रू अच्छा मतलब स्कोर करके और अच्छा रैंक ला सकते थे, अच्छा मतलब उनका परफॉर्मेंस हो सकता था, जिसके बेसिस पर यार जो स्पॉन्सरशिप हो या फिर उनका जो उसी में जो आपका काउंसलिंग होता है उसके थ्रू अच्छा कॉलेज मिल जाता उनको। तो यार ये हक तो आईएमयू ने उनसे छीन लिया। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि आगे का क्या प्रोसीजर है, कि कैसे कैसे अब आपका रैंक सर्टिफिकेट बनेगा, क्योंकि यार देखो डिसीजन में वो भी लिखा है कि रैंक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो अभी हम बात करेंगे रैंक सर्टिफिकेट किस बेसिस पे बना रहे हैं। तो रैंक सर्टिफिकेट इस साल बनाएंगे आपका 12th का रिजल्ट, जितना परसेंटेज आया है, चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड हो या फिर CBSE, ICSE, ISC बोर्ड है। तर इसमें कुछ लोग को ऑब्जेक्शन होगा कि देखो क्लियरली यहाँ बता दूँ तो ISC और ICSE बोर्ड का जो कॉपी होता है वो नॉर्मल मतलब बहुत ही ईजी चेक होता है, काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं उनको। फिर उसके बाद CBSE बोर्ड होता है, थोड़ा टफ चेकिंग होता है, और फिर आते हैं स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड का कॉपी चेकिंग सबसे टफ होता है, ये फैक्ट है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये फैक्ट है, सबको ही जानता है। तो यहाँ पे मतलब कुछ बच्चों को ऑब्जेक्शन ज़रूर होगा कि यार देखो हम लोग के साथ ये अनफेयर डिसीजन लिया गया। तो यहाँ पे आईएमयू ने एक बढ़िया डिसीजन ये लिया है कि मतलब वो रैंक सर्टिफिकेट तैयार करेंगे, लेकिन उनका एक प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन का। तो अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं जानते तो यार देखो ये वीडियो देख लो, ये क्लिप देख लो, ये सोवित सर का है, लाइफ एक्स चैनल है उनका, तो ये वीडियो उनके मतलब आज ही डाला उन्होंने कुछ देर पहले, तो ये वीडियो देख लो पहले, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। इंटरमीडिएट में, 12th में, HSC में, स्टेट बोर्ड में है, ठीक है, वो जो मार्क्स हैं उनको उनका एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा। मतलब क्योंकि अब अलग अलग बोर्ड अलग अलग तरह से चेकिंग करता है, SC बोर्ड अलग से कर रहा है, CBSE अलग से कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं कि जो रैंक सर्टिफिकेट मिलेगा वो उसके लिए एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस वो प्रिपेयर करेंगे, और वो जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग आप सबको रैंक दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग मतलब बाकी सारी चीज़ें वही हैं। जो रैंक IMUCET के एग्ज़ाम के थ्रू मिलने वाली थी वो अब आपके 12th के बोर्ड के हिसाब से मिलेगी। तो अभी मतलब पता चल गया होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन यार सीधा बता दे तो यार वो अपना कुछ कोई प्रोसेस बनाएंगे जिसके थ्रू आपका कॉपी चेकिंग कैसा हुआ, मतलब हर बोर्ड में अलग अलग लेवल से कॉपी चेकिंग हुआ, तो वो अपना खुद का एक तरीका बनाएंगे कि कैसे बच्चों को रैंक वाइज मतलब वहाँ पर एडजस्ट किया जाए। अब वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसा होगा उसके बारे में कोई नहीं जानता, तो अभी इसके लिए उन लोगों ने यार काफ़ी एक अच्छा डिसीजन लिया। कल उनका 3 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, मतलब 3 PM to 5 PM उनका एक वेबिनार है, तो वेबिनार में आपको यार सब जरूर हिस्सा लेना, अगर आपको कोई डाउट है तो वो वहीं पे क्लियर होगा। IMU के कैंपस के जो फैकल्टी है उससे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करने का मौका मिलेगा, वहाँ पे आप अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं। तो वेबिनार का यार एक फॉर्म है, उसको मैंने लिंक दे दिया उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाकर फिल कर दो, और 3 बजे से 5 बजे तक आप मिस मत करना अगर आपको मर्चेंट ने भी ज्वाइन करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, उसके बारे में वो कुछ ना कुछ मतलब कैसे डिसीजन लिया, क्या करना है आगे, वो ज़रूर बताएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कल का वेबिनार। तो अभी वो फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, इसके वीडियो देखने के बाद वो फॉर्म ज़रूर फिल कर देना। तो अभी हम बात करेंगे कि और एक डिसीजन लिया गया है यहाँ पे कि IMUCET का जो फॉर्म फिलिंग का जो डेट है एक्सटेंड किया गया, जो कि 3rd of August था, अब आपका 21st of August है शायद। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, आपको कल मैं परसेंटेज वाला डाउट क्लियर कर दूंगा। अब जाके मतलब कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना कि मेरे इतने परसेंटेज आए तो मुझे क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये सब डाउट कल क्लियर होगा वेबिनार के बाद। तो यार अभी इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना कि वो वाला वीडियो जब भी आए तो आप मिस ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।